नमस्कार दोस्तों, हम सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे अल्ट्रा कैब इंडिया लिमिटेड के बारे में। ये BSE लिस्टेड स्टॉक है। ये ना NSE के साइट पर अगर आप चाहोगे तो नहीं नहीं मिलेगा। और यहाँ पे देखिए, पुराने वीडियो में हमने बात किया था, हमारा एक रेजिस्टेंस एरिया 15.93 का है। इसके आसपास जब भी पहुंचेगा, जैसे वो आसपास के ना 0.3.45 हो गया बराबर ना, जब भी इसके आसपास रहेगा तो थोड़ा सा इसमें सेल ऑफ देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे देखो, नजदीक रेजिस्टेंस एरिया पे आया और तुरंत इसमें सेल ऑफ देखने को मिल गया। तो अभी इसमें क्या हो सकता है, देखो मैं आपको बताऊँ। एक तो पहले BSE लिस्टेड स्टॉक है, दूसरा चीज़ इसमें क्या है ना, 2% का लिमिट है। ये मतलब क्या, 2% अपसाइड जा सकता है, 2% डाउन साइड जा सकता है। यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा, अपर प्राइस पॉइंट लोअर प्राइस बैंड, इसका ना रेंज ही कितना, 2% का। तो इसमें वॉल्यूम कम है और इसमें जो है ऑपरेटर एक तरह से गेम बनाते रहते हैं। तो इसमें कब जाकर रुकआउट हो सकती है, तो मैं बता रहा हूँ आपको। देखो जब तक इसमें डॉट बन रहा है, जैसे अभी डॉट यहाँ पर बन रहा है ना, डाउन साइड पर बनने बढ़ रहा है, ऐसे डॉट जब तक बनता रहेगा तब तक यहाँ पर 3.8.4 मतलब 13.84 तक का एक सपोर्ट एरिया यहाँ तक आ जाएगा। अगर बाई चांस अगर डॉट नहीं बन रहा, इस तरह का कैंडल बन रहा है, ये कैंडल क्या है मालूम है, जैसे कि अगर ये ऐसा कैंडल बनना लग गया, छोटा बड़ा कैंडल बन जाए बराबर ना, जैसे यहाँ पे कैंडल दिख रहा है ना, ऐसा कैंडल बनेगा तो फिर एक बाउंस बैक देखने को हमको मिल सकती है। क्योंकि 2% का लिमिट नहीं रहेगा, तब उसमें ना कम से कम 1% की सेलिंग होगी, 1% की बाइंग होने लग जाएगी। तो यहाँ से फिर दोबारा हमको अपसाइड देखने को मिल सकती है। जब यहाँ से अपसाइड होगा तो ये जैसे ब्रेकआउट लेता तो फिर पहला जो टारगेट रहेगा ना, वो हमारा आगे का इस कैंडल के हाई तक करा सकता है, वो है 17.99 मतलब 18 रुपये तक का देखने को मिल सकती है। जब तक डॉट आ रहा है तब तक आप मान के रहिए कंटिन्यू इसमें सेलिंग रहता रहेगा और इस सपोर्ट एरिया तक का देखने को मिल सकती है। डॉट की जगह पर अगर कैंडल बन रहा है तो फिर बाउंस बैक देखने को मिल सकती है। जब बाउंस बैक होगा तो 18 रुपये तक का टारगेट मिल सकता है। बाय सेल अगर कोई रिकमेंडेशन नहीं है, चैनल पहली बार आए तो प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब करना। जय हिंद।